ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आप आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, अच्छा कर रहे होगे फ्रेंड्स, और लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे होगे। सो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखना, और जिन जिन ने मेरे अभी चैनल पे आज पहली बार ज्वाइन किया है, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और जो ऑलरेडी हैं प्लीज़ चैनल को नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करके रखें। आज हम बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। ये रीडिंग होगी कर्मा रीडिंग। बहुत ज़्यादा बार बार मुझे इसके बारे में कहा गया है। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं थी इस रीडिंग को करने के लिए, बट मुझे अपने व्यूअर्स की पसंद को देखना है और मुझे आप लोगों के अकॉर्डिंग ही रीडिंग बनानी है। बिल्कुल साइन वाइज रीडिंग बनाऊंगी मैं। कभी मोस्टली टॉपिक वाइज बहुत रीडिंग कम बनाती हूँ कि एक ही टॉपिक में सबको। ये टाइमलेस रीडिंग होगी, कर्म रीडिंग होगी। मैं कोशिश करा करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पोस्ट किया करूँ और जल्दी जल्दी पोस्ट करूँ। बट आप अगर मैं अभी जिस भी साइन की रीडिंग्स बनाऊंगी, सो आप देख सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहे हैं, किसी रिलेशनशिप को लेके बहुत दुख में रहे हैं, और अब आप जानना चाहते हैं कि फाइनली उस पर्सन ने के साथ क्या हो रहा है, वो किस दुख से परेशानी से गुजर भी रहा है या वो सिर्फ इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ में आपको इतना दुख और परेशानी देके। सो हम एक कर्मा रीडिंग करेंगे, देखेंगे कि क्या उसकी लाइफ में चल रहा है, क्या उसको गुजर रहा है उसकी लाइफ में, ठीक है। सो आप की हम रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और अगर आपसे ये मैच करे तो ज़रूर क्लेम करना एनर्जी को, ठीक है। जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लिब्रा राशि, देखते हैं कि क्या है कर्मा रीडिंग आपके पार्टनर की, क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में। देखिए, ये उन लिब्रा आपके पार्टनर्स के लिए है जिनके पार्टनर्स ने जेन्युइनली लिब्रा को बहुत टफ टाइम दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत सिचुएशन में उनको एक ऐसे मुकाम पे लेके आए हैं, ठीक है। सो एक ऐसे लिब्रा के पार्टनर की कर्मा रीडिंग है कि वो आज क्या भुगत रहे हैं। द बर्डन का कार्ड आया है फ्रेंड्स, सबसे पहला द बर्डन, द फूल, द क्रिएटर, कॉम्प्रोमाइज एंड शेयरिंग। ऑल राइट, सो देखो, जहाँ तक मुझे लिब्रा आपके पार्टनर की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, मुझे ये पर्सन अब एक ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये लाइफ फ़िलहाल उसके लिए, ये सिचुएशन उसके लिए एक बर्डन बन गई है। वो कितना भी कोशिश करता है कि मैं चीज़ों को संभाल लूँ, चीज़ों को हैंडल करूँ, क्योंकि इन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करे, इन्होंने आपको कभी एडजस्ट नहीं करने दिया, इन्होंने आपके लिए हमेशा, जैसे कहते हैं ना, आपके रास्ते में हमेशा रोड़े अड़काए हैं लिब्रा। और यही प्रॉब्लम्स जो आपने फेस की हैं, आज इनको समझ में आ रहा है कि क्यों ये सब इनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपकी लाइफ को टफ बनाया और आज ये कर्मा घूम कर आया। अब ये चाहते हैं आपसे, आपको इन्होंने इतना परेशान किया कि आपकी लाइफ में इतना स्ट्रगल आ गया। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब वो वाला टाइम इनकी लाइफ में आ रहा है, अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप तो हट गए हैं इनकी लाइफ से, आपने तो इन्हें माफ़ कर दिया या समझ लो रास्ता बदल दिया, लेकिन इनकी लाइफ में अब एक नया रास्ता खुल रहा है। लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो रास्ता जा कहाँ रहा है वो इन्हें नहीं पता लग रहा। ये कोशिशें करते हैं फिर हार जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर गिर जाते हैं, कुछ इस तरह का चल रहा है। पहले जैसे ये थोड़ा बहुत भी आपके साथ अच्छा करते थे रिलेशनशिप में, तो इनको बदले में भी वही रिस्पॉन्स मिलता था, बट अब लोग इनको ना ही वो रिस्पॉन्स देते हैं। इनफैक्ट अब इनको रियलिटी भगवान बता रहे हैं कि देखो, तुमने लिब्रा का दिल तोड़ा था, नाउ इट्स योर टाइम, अब पे बैक टाइम है, अब आपका दिल टूटेगा। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं, पर लोग इनके साथ नहीं जुड़ना चाहते या इनको वो मौका देना चाहते, जैसे आसमान से किसी को किसी ने ज़मीन पे फेंक दिया हो। ऐसी सी फीलिंग इनको हर वक्त आती रहती है, घबराए घबराए ये घूमते हैं सिचुएशन में, इन्हें कुछ क्लैरिटी नहीं आ रही कि आगे चल के लाइफ में इनको चाहिए क्या, ज़िंदगी इनकी किस तरफ मोड़ लेगी, कैसे ये अब इस हर एक पल को संभालने वाले हैं, कैसे ये सिचुएशन में चीज़ों को डील करेंगे,
देखें तो उसके चक्कर में अब कैसी लाइफ हो गई है इनकी, मोमेंट टू मोमेंट। सो यानी कि हर एक पल को अभी इनको एक एक करके जीना पड़ रहा है, सोच सोच के जीना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले तो इन्होंने कभी पेशेंस दिखाया नहीं है, अभी इनको पेशेंस दिखाना पड़ रहा है। पहले ये जितना आपके साथ इम्पेशेंट बिहेवियर करते थे, आपको हर्ट करते थे, आपको पेन में डालते थे, और आप इनकी वजह से इतना स्ट्रेस लेते थे, आपको खुद को समझ नहीं आता था कि आपको करना क्या है, आप परेशान परेशान घूमते थे, और अब इनको वो वक्त मिल रहा है। तो किसी की भी लाइफ में अगर आप परेशानियां डालोगे ना, सो ये मत सोचना कि आपकी लाइफ आने वाली बहुत अच्छी होगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए ज़रूर इनको लगता होगा कि मैंने लिब्रा को परेशान कर दिया, ओहो देखो मेरी तो लाइफ कितनी बढ़िया है, यही सफ़र कर रहा है। लेकिन किसी की भी ज़िंदगी में कोई भी एक फेज़ एक सा नहीं रहता है। लिब्रा वही हो रहा है, आज आपका टाइम अच्छा चलने वाला है या आने वाला है। आप अगर स्ट्रगल कर भी रहे थे, इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप देखें कॉन्शियसनेस के कार्ड से क्या आया है, इनकी अंदर की अंतरात्मा अब इनको दुत्कारती है, इनको अंदर से दिखाती है, आईना दिखाती है कि देखो तुमने क्या किया था, तुमने लिब्रा के साथ गलत किया ना, नाउ इट्स योर टाइम। अब वही सेम चीज़ें जो तुमने लोगों के साथ की, औरों का दिल तोड़ा, औरों की आत्मा तक को छन्नी कर दिया, अब वही सेम वक्त तुम्हारा आया है। सो यही होता है, कोई किसी का दिल दुखाता है ना, किसी की आत्मा को छन्नी करता है, सो वही होता है। तो आज इनका टाइम आया है फ्रेंड्स, अब ये भुगतना चाहते हैं। डिवाइन गाइडेंस निकालती हूँ मैं, क्या डिवाइन गाइडेंस है लिब्रा राशि के लिए, क्या डिवाइन गाइडेंस है। सो महाशिवरात्रि लव एंड हार्मनी अवेट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आने वाली शिवरात्रि आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम लेके आएगी लिब्रा, एक बहुत बदलाव लेके आएगी। देखना है आपकी ज़िंदगी में जो एक न्यू प्रॉमिस लेके आएगी लव का, ये पर्सन ने भले ही आपका साथ ना दिया हो, लेकिन एक अच्छा सोलमेट, एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में लाने के लिए डिवाइन प्रॉमिस कर रहे हैं। एंड स्टिलनेस का कार्ड है। सो मे बी अगर आपको लगता है कि अभी आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा रुक गई है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रही है, लाइफ में वो क्या कहते हैं, वो खुशियाँ या वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, सो डिवाइन आपको यही कहना चाहते हैं कि ये सब एक टेम्पररी फेज़ है आपकी लाइफ का। इसमें ज़्यादा अपने आप को खो मत या इतना ज़्यादा परेशान मत हो, ये वक्त बीत जाएगा। सो आने वाला वक्त आपके लिए अच्छा होगा। अभी ज़रूर परेशानियाँ चल रही हैं, अभी ज़रूर तकलीफ़ें होंगी, अभी ऐसे चैलेंजेस होंगे, लेकिन इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो। अपने आप को कूल एंड काम रख के इस कठिन समय को बिताओ, और आने वाले जो बड़ी चुनौतियाँ हैं उनके लिए खुद को प्रिपेयर करो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप कहीं ना कहीं आप इससे रेजोनेट कर पाए हो। अगर ऐसा है लिब्रा तो प्लीज़ इसे क्लेम करना एनर्जी को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मुझे बताना कि क्या एनर्जीज मैच हुई हैं आपकी। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। मिलती हूँ अगली रीडिंग में। सो बाय फॉर नाउ।